जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश राय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब हमारे पास कुछ कमेंट आए थे हमारे वीडियो में कि सर हमारा जो मेहमान प्रवक्ताओं का जो हमने अपडेट किया है, हमारे जो नंबर कम दिख रहे हैं, हमने उस पर आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, तो आप लोग आपत्ति नॉर्मल ऐसे ही दर्ज कर रहे हैं, उसका जो लेटर बनाकर प्रॉपर नहीं भेज रहे हैं, तो इस कारण जो आप आपके नंबर को सुनाई नहीं सुन नहीं रहे हैं वो लोग, या उसको जो सही तरीके वो लोग समझ नहीं पा रहे। तो मैंने ये कि जो लेटर बनाया वो आप ये लेटर देख लें, या तो मैं इसकी लेटर की PDF दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपका नाम है वो ट्रेड है, या आप लोग जो जानकारी वो फिल करके आप लोग भेज सकते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नया आए तो आप लोग कुछ निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप सभी लोगों को इस संबंधित नोटिफिकेशन है जानकारी वो आपके यूट्यूब चैनल पर पल पर यहाँ पे आती जाए। तो होता क्या है कि जो मेहमान प्रवक्ता है, जिन लोगों का स्कोर कार्ड पीयू स्कोर कार्ड है, वो किसी कारण से यहाँ पर जो नंबर है वो उनको सही प्राप्त नहीं हुए जो उनको आना चाहिए था, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो आपत्ति लगा दी। आपको कुछ आवेदक हैं जिन्होंने आपत्ति लगा दी है, लेकिन आपत्ति लगाने के बाद कुछ आवेदकों ने अभी तक अपना जो स्कोर अपना जो प्रिंट एप्लीकेशन वो प्रिंट नहीं किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने यदि आपत्ति लगाई हो, ठीक है, आपके नंबर कम है, तो आप लोग कृपया लॉग इन करके उसमें जो आपका एप्लीकेशन प्रिंट है वो प्रिंट करके देख लें कि आपका वेरीफाई दिखा रहा है या नॉट वेरीफाई दिखा रहा है। जिन लोगों का यहाँ पे नॉट वेरीफाई दिखा रहा है, उनने आपत्ति दर्ज की है, इसके पश्चात उनका दिखा रहा है नॉट वेरीफाई, तो उन लोगों को ये लेटर है जो आप लोग MP स्टेट सेल की जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोगों को ये लेटर भेज देना है। और यहाँ पर क्या क्या आपको लिखना है पूरा इसमें प्रॉपरली हमने बना गया है, बना लिया लेटर, आप लोग इसको यहाँ पर भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो लेटर मैंने बनाया है पढ़ लेता हूँ मैं क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, और जिन लोगों का नॉट वेरीफाई दिखा रहा है उन लोगों के लिए भेजना है। ठीक है, क्योंकि हालांकि ऐसा होता नहीं था कि जब वो लोग अपन आपत्ति दर्ज करते हैं और अपना जो एप्लीकेशन है वो नॉट वेरीफाई दिखाने लगता है, तो अब की बार पता नहीं कैसी क्या प्रोसेस हुई है, लेकिन आप लोगों को ये लेटर को मेल कर देना उनकी मेल आईडी पर। हम आईडी बता दें कौन सी उसकी आईडी है, आपको ये मेल करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा मैंने प्रति यहाँ पे उप संचालक प्रभारी, ठीक है, उप संचालक परीक्षा प्रभारी या प्रवेश प्रभारी बोलते हैं उनको, MPSS DG स्टेट सेल गोविंदपुरा भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश। विषय में लिखा है मध्य प्रदेश ITI भर्ती मेहमान प्रवक्ता का बी स्कोर कार्ड वेरीफाई होने के पश्चात, ठीक है ना, नॉट वेरीफाई दिखाने के संबंध में, यानी आपका पहले वेरीफाई आपने करवा लिया था, जब बाद में आपने आपत्ति को दर्ज की, क्योंकि आप दर्ज आपने क्यों, क्योंकि आपके नंबर जो कम थे, ठीक है, ये आपके नंबर उचित नहीं मिले आपको, तो आपने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने के बाद जैसे ही आपने प्रिंट एप्लीकेशन किया उसमें आपका नॉट वेरीफाई आ रहा है, ठीक है, ये उसके संबंध में लेटर मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मेरा नाम आपका, आपको नाम लिखना है, आपको पिताजी का नाम लिखना है, आपकी जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है उस ट्रेड का नाम लिखना है, मैं रजिस्ट्रेशन दिनांक, आपने रजिस्ट्रेशन कब किया, किस दिनांक को आपने रजिस्ट्रेशन किया था, को किया था, इसके पश्चात आपके द्वारा निर्धारित, उनके द्वारा निर्धारित, ठीक है, यदि गलत हो तो आप सही कर लेना इसको, निर्धारित तिथि में शासकीय ITI में जाकर दिनांक आपने किस दिन वेरिफिकेशन करवाया वो आपको डेट लिखना है, को वेरिफिकेशन कराया गया था जिसका प्रिंट हमारे पास है, यानी आपके पास प्रिंट होगा जो आपने वेरीफाई करवाया, लेकिन बी स्कोर दिनांक 12 तारीख को जैसे ही जनरेट हुआ उनके आया स्कोर, ठीक है, वो देखने पर स्कोर में नंबर त्रुटि पाई गई, यानी उसमें आपको नंबर गलत पाए गए, ठीक है, जिसके पश्चात आपने क्या कर दी, आपत्ति के लिए आपने जो आप दर्ज है वो आपत्ति आपने दर्ज कर दी, ठीक है, इसके पश्चात हमारा जो प्रिंट है वो क्या दिख रहा है, जैसे आप आपत्ति दर्ज की फिर आपने किया प्रिंट एप्लीकेशन लिख कर देखा प्रिंट करके, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट वेरीफाई आपको दिख रहा है या दिखा रहा है, क्योंकि हमारा वेरीफाई हो चुका था पहले और अब नॉट वेरीफाई दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपको लेटर वहाँ पर भेजना है। आप और नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि महोदय से निवेदन है कि MP एप्लीकेशन फॉर्म के व्यू स्कोर में त्रुटि, जो आपका स्कोर प्रिंट हो रहा है उसमें त्रुटि सुधार कर और उसको सत्यापित कर, यानी वेरीफाई कर करने का कष्ट करें, ठीक है, ये भी लिखा है, और यहाँ पे आपका URID लिख देना आपको, और आपका जो पासवर्ड आपको मिला था वो आपको लिख देना है, संलग्न में आपको क्या लगाना, आपका जो जब जो आपका प्रिंट मिला था वेरीफिकेशन वाला जो वेरीफाई हुआ था उस समय वो प्रिंट आपकी कॉपी आपको लगानी है, आपका जो बी स्कोर कार्ड रहा उस बी स्कोर कार्ड का उसका स्क्रीन शॉट लेना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आपको लगानी स्क्रीन शॉट, ठीक है, और आपका अभी जो वाला जो नॉट वेरीफाई दिख रहा है वेरीफिकेशन बार बार जो नॉट वेरीफाई दिख रहा है वो आपको यहाँ पर प्रिंट लगाना, और आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ट्रेड पता, ठीक है, दिनांक। अब आपको किस में मेल करना, तो इनकी आईडी दिख रही है यहाँ पर कि दावे आपत्ति हेतु ईमेल आईडी ये दिख रही है, ठीक है, ITCL.MPSKIL, ठीक है, @gmail.com या IT, ठीक है, ITCL.MPSKIL@gmail.MP.gov पर संपर्क करें, ठीक है, आपको इन आईडी पर आपको ये लेटर मेल कर देना, प्लस आपको लगाना, एक बात ध्यान रखना,
आपको लगाना पड़ेगा ये तीनों चीजें, तभी आप वो लोग आपका देखेंगे, मिलान करेंगे कि आपका पहले वेरिफिकेशन इस तारीख को हुआ था, फिर आपका नॉट वेरीफाई दिखा रहा है, ठीक है, और स्कोर कार्ड आप कितना मार रहा है, तो आपको ये चीज़ आपको भेज देना, ठीक है। हालांकि हमारे पास भी कुछ आवेदक थे, उनके मैसेज आए थे, कमेंट आए कि सर हम क्या करें, हमारा जो ऐसा हो चुका है, तो हमने उनके लिए यही बताया कि आप जो लेटर है, ये लेटर प्रॉपरली ये लेटर भेजिए, और ये लेटर मैं दे दूंगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं या तो मेरे टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लें, या तो आप लोग पेन से लिख लें, ठीक है, इसको देख कर, और आप लोग वही भेज दें आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपका जो वेरीफाई है वो हो जाएगा, और आपका जो नंबर है वो भी आपके सही यहाँ पर कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो जरूर आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आवेदकों ने आपत्ति लगाई, यदि उनका नॉट वेरीफाई दिख रहा है, तो इस लेटर के माध्यम से वो लोग मेल करेंगे आप लोगों की आईडी पे, तो आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।